एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर व्लॉग। और मैं रेडी होकर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, और आज है 5th of March, तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है सैटरडे, तो व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न है क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में जा रही हूँ। और इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है वो मैं आपको डिटेल में अभी आराम से बताऊंगी, बट अभी मैं रेडी हुई थी। दो तीन मुझे वीडियो शूट करने हैं, मैं प्री वीडियो शूट करके रख लूँगी, शेड्यूल लगाऊंगी, ताकि होली आ रही है तो होली में हम घर जाएंगे तो वीडियोज़ आपके पास टाइम पे आने चाहिए, इसलिए मैं अभी शूट कर लूँगी 2-4 दिन में ही, ताकि हम घर जाएं तो घर पे फैमिली का टाइम स्पेंड करेंगे। होली फेस्टिवल ऐसा होता है कि ज़्यादा हमें लीव नहीं मिलती, बट हम घर जाते हैं और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। एज यू नो हम यहाँ पर हैं तो सारे फेस्टिवल हम घर पर मनाते हैं। तो अभी मैंने जो वीडियो शूट करी है और वो थी एक ये हमारी प्रोडक्ट एम्प्टीज़ वाली वीडियो, तो ये मैंने शूट कर लिया है, इसको रैप अप कर लिया है। और अभी मुझे 2-3 वीडियोस और शूट करनी है, बट अभी लंच का टाइम हो गया है। और अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी हो रहा है इट्स 1:15, और मैं 11:30 बजे बैठी थी वीडियो शूट करने के लिए, रेडी हुई हूँ, वीडियो शूट किया है, और बस अभी लंच करेंगे और लंच करने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी और व्लॉग भी मुझे कंटिन्यू करना है। व्लॉग ये शायद 1 वीक तक चले, एक 1 वीक इन माय लाइफ रहेगा, और इस पूरे वीक में मैं जो जो चीज़ें कर रही हूँ वो आपके यहाँ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं, पहले हम लंच कर लेते हैं और लंच में आपको दिखाती हूँ लंच में क्या बना है। लंच में वैसे आज बनी है चने की दाल और रोटी, तो वही हम करेंगे। और बस मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, खाना लेके आती हूँ फिर मैं। तो ये है हमारा खाना, और चने की दाल और रोटी है, 2 रोटी और चने की दाल मैं खाऊँगी, तो ओके खाऊंगी मैं। तो इसको पहले मैं फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी। गाइस लंच हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, दूसरी वीडियो शूट करनी है मुझे और उसके लिए गेटअप चेंज करना है। अभी तो मैंने गाउन पहन लिया था क्योंकि ड्रेस चेंज किया था, और जाते हैं दूसरी वीडियो का शूट स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैंने लीव लिया हुआ है आज के दिन, तो 2-4 वीडियोज का शेड्यूल मैंने बनाया था कि आज मैं शूट करूंगी, तो वही मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि मैं डिले नहीं कर सकती। तो अभी मैं वीडियो शूट करके फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको पूरा वीक दिखाती रहूँगी क्या क्या मैं कर रही हूँ इस वीक में। गाइस सो अभी बज रहे हैं 7:00 और मैंने नाश्ता बना दिया हस्बैंड के लिए, पराठा भुकनू खाते हैं वो, चाय बना दिया इधर पे, और टिफ़िन भी पैक कर दिया है, वहाँ रख दिया है, दिख रहा होगा आपको। और मैंने बनाई है आज मिक्स वेज पनीर वाली, और उनके लिए पराठा बना दिया है। ये मिक्स वेज मेरी बन गई है, देख सकते हो गर्म गर्म से बनाई है मैंने, और अभी उनको नाश्ता देके जब वो चले जाएंगे उसके बाद मैं फ्रेश हूँ। मेरे यहाँ पे देखिए पिंपल आ गया है, ये पता नहीं क्यों आया, बहुत टाइम मतलब कई महीनों बाद मुझे लगा सालों बाद मेरे पिंपल आया है, आता नहीं है वैसे कभी मुझे। और अभी बस मुझे फ्रेश होना है, मुझे आज अराउंड 2-3 वीडियोस और शूट करने हैं, और इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है तो मैं वैसे आपको बताया है वॉम वाटर पी चुकी हूँ, और 7-8 उसमें, और 8-9 में पीऊँगी मैं हल्का सा ग्रीन टी, या मैंने वैसे ना आपको दिखाती हूँ मैंने ये भी बाय की हुई थी, और ये है मेरी ब्लू टी में हिबिस्कस फ्लावर टी, और ब्लू टी में दोनों ही पीती हूँ ऐसा कुछ करके मिक्स करके, कभी कोई कभी कोई। और बहुत सारी वीडियो शूट करनी है तो हस्बैंड चला जाए, पहले मैं ग्रीन टी वगैरह पी लूँ और उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। और बहुत सारा काम है आज मुझे, कुछ कुछ होगा तो आपको मैं दिखाती रहूँगी। और चलते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। और खाना बन चुका है और खाने की टेंशन नहीं होती, सुबह बन जाता है आराम से, तो बाकी घर का काम डेली करते रहते हैं, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में। सो ये है मेरी हिबिस्कस टी, लुक एट द कलर। सो गाइस जस्ट मैं अभी फ्री हो पाई हूँ और अभी बज रहे हैं 10 बजने वाला है, और मैंने सबसे पहले सारी वीडियो शूट कर लिया है, 10:30 होने वाला है, और 3-4 वीडियोस मैंने शूट कर ली हैं। और अब जा रही हूँ मैं मेकअप रिमूव करूँगी क्योंकि देख सकते हो आप ऐसा हाल, और ऐसे तो हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते, तो चलते हैं मेकअप रिमूव करते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल निकलती हूँ, हॉस्पिटल निकलने के बाद आऊँगी। और आज मेरा फास्ट है, मंडे है, तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे कुछ खाना पीना है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना टाइम हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं वीडियो में। तो मैंने मॉर्निंग में सारा जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लिया, और जिससे कि हम घर जाएंगे तो वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से वीडियोस मिलती रहेंगी। और थक मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, और ये पिंपल मेरा बहुत पेन कर रहा है पता नहीं क्यों। और क्या अब ये सब चीज़ें हो गई हैं, चलते हैं मेकअप रिमूव कर लेते हैं, और आप मेरा मेकअप देख सकते हो कितने जल्दी से कितने अच्छे से मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लग जाता है, बट रिमूव करना पड़ेगा
क्योंकि अब निकलना है मुझे रेडी होके, और मैं आपको थोड़ी देर में हॉस्पिटल में मिलती हूँ गाइज। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट की है, और 2 दिन 3 दिन मुझे हो गया, 5 को मैंने स्टार्ट किया था, आज मंडे है और आज मेरे का 6 या 7 है ना, तो 2 या 3 दिन हुआ है और अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा ज़्यादा दिन नहीं करूँगी, मुझे बहुत भूख लगती है क्योंकि मेरी बेटी अभी मुझे फीड करती है, तो लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करेंगे तो ही बॉडी और फिट रहेगी और हेल्दी रहेगी और अच्छा फील होगा। चलते हैं, रेडी होती हूँ और मेकअप रिमूव करती हूँ, फिर मैं आपको हॉस्पिटल में मिलती हूँ और फिर आगे जो चीज़ें होंगी मैं करती रहूँगी आपके साथ। सो गाइज, मैं वीडियो वगैरह बना चुकी थी और फिर लेट हो गया था मुझे, तो मैं हॉस्पिटल निकल आई थी। और हॉस्पिटल में आज मैं आपका शेयर करूँगी कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी है तो वो प्रोसेस क्या है। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीके से होती है, आप 16:8 का कर सकते हो, 14:6 का कर सकते हो, मतलब 14:10 का कर सकते हो, मतलब अगर मैंने स्टार्ट किया है तो 16 और 8 आवर्स का किया है, तो 16 आवर्स फास्टिंग रहेगा और 8 आवर्स आप विंडो क्लॉक लॉक करते हो जिसमें आप खा सकते हो। तो 8 आवर्स को आप डिवाइड कर लो अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में और डिनर में, तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। इस 8 आवर्स के अंदर ही मैं खाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप वाटर पी सकते हो, कुछ भी लिक्विड आपको लेना है लाइक ग्रीन टी है, कुछ भी है, आपको नॉर्मल वाटर भी पीना है तो वो सब मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ उस डाइट में। वो आप पूरे टाइम पे कभी भी पी सकते हो क्योंकि प्यास है वो कभी भी लग सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फूड इनटेक मैं जो करूँगी, जितना भी सॉलिड इनटेक कर रही हूँ वो भी मैं करूँगी, तो सिर्फ 8 आवर्स के अंदर, बट इन हेल्दी वे। मैं डाइट को भी हेल्दी रख रही हूँ, ये नहीं कि मैं 8 आवर्स में मैगी या कोई भी पास्ता या कुछ भी ऐसे हाई चीज़ें खाऊँ, मैं सारा ही डाइट मेंटेन करूँगी उसमें भी, उस 8 आवर्स के अंदर भी मैंने डाइट डिवाइड किया है, मैं आपको भी शो करूँगी। तो मेरी जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की टाइमिंग है मैं 1 मंथ का करूँगी, बट कंटिन्यू 1 मंथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस वगैरह आ सकती है, किसी को और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ ट्राई करो, सबसे पहले 1 दिन का करो, फिर 2 दिन का करो, 1 वीक का करो, 15 डेज का करो, ऐसे करो, क्योंकि मैं कई टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर चुकी हूँ। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं अभी 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट किया है मैंने और 5th ऑफ अप्रैल तक करूँगी, क्योंकि उसके बाद मेरे घर में कुछ फंक्शन वगैरह है तो वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इस मंथ में मुझे अराउंड 4 to 5 kg वेट लॉस करना है 1 मंथ में, तो मैं उसी लिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आप देख सकते हो विंटर में मेरा अच्छा खासा वेट गेन हो गया है, तो डाइट मेंटेन नहीं हो पाई थी, तो उसी लिए मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मंथ थोड़ा सा करेंगे। और साथ ही साथ मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर रही हूँ, जिम तो नहीं जाऊँगी हाँ, बट कार्डियो वगैरह करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा वॉक करने की, थोड़ा सा स्किपिंग वगैरह करने की जो है तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। और या तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने टाइमिंग बनाई है और डाइट का क्या क्या चार्ट है वो भी आपको शेयर करती हूँ, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भी बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या डाइट करके आप वैसे वेट लॉस कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। वैसे मैंने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस 5 मंथ में किया था और अराउंड 25 to 28 kg मैंने लॉस किया था इन 5 मंथ विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइट, मतलब प्रॉपर हेल्दी फूड खा के ही मैंने वेट लॉस किया है। हाँ, बट मैं शुगर इंटेक नहीं करती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने शुगर इंटेक करना शुरू कर दिया था तो इसीलिए वेट गेन हुआ है, अभी मुझे नहीं करनी है। तो चलते हैं, आपको मैं अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग का चार्ट दिखाती हूँ और फिर मैं आपको मिलूंगी घर पहुंच के शाम को, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे घर से निकलते भी, हॉस्पिटल के मुझे 2 बज गया था यहाँ आते आते, तो आज मेरी इवनिंग शिफ्ट थी। तो चलते, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये है मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग चार्ट, ही मैं अपनी सिंबल लाइफस्टाइल प्लानर जो है इसमें लिख के रखी हुई हूँ। तो ये है मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइमिंग, मैंने 16 आवर्स और 8 आवर्स का लिया है, डिवाइड कर लिया है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर पे। 11 AM में स्टार्ट करूँगी और 1 AM पे लंच करूँगी, 5 and 5 PM पे स्नैक्स लूँगी और 7 to 8 के बीच में मैं अपना डिनर कर लूँगी, मतलब 7 बजे से शुरू करके 8 के अंदर ही मुझे करना है। तो मैंने ऑप्शंस लिए हैं थोड़ा, जैसे मूसली हो गया, मिल्क हो गया, इसमें मैं कभी पोहा वगैरह भी ले लूँगी और कुछ भी, मतलब आपको ऐसा है ना जो आप लाइट ले सको तो उस तरह से मैं लूँगी। साथ में मैंने लंच में लिया है, मैं सिंपली यही सब खाती हूँ, दाल, सब्जी, रोटी, रायता, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। और स्नैक्स में मैं लूँगी फ्रूट या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो आप, मखाना वगैरह ले सकते हो, कुछ भी जो आपको सही लगे वो सब चीज़ें आप इसमें खा सकते हो। और डिनर में मैं सिर्फ सिंपली लेती हूँ ये सब चीज़ें,
अगर आपको पोहा उपमा डोसा इडली ये सब पसंद है तो आप ले सकते हो। मैं इंडियन में दाल रोटी रखा है, सब्जी रोटी रखा है, या सिंपली अगर आपको सब कुछ स्किप करना है, जल्दी लॉस करना है, तो मैं मिल्क या फ्रूट पे जाऊंगी। और लिक्विड इनटेक मैंने अलग लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लिक्विड इनटेक अलग करूंगी, तो मैं मॉर्निंग 8 PM से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं 7 बजे उठती हूँ, तो मैं फ्रेश वेश होकर 8 बजे से स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं हनी वाटर या लेमन वाटर जो भी टाइप का ले सकती हूँ। 9 AM पे मैं ग्रीन टी है, ब्लू टी है, रेड टी जो आपके पास अवेलेबल मैं वो लूंगी। 10 AM पे मैं विटामिन सी कैप्सूल्स लेती हूँ या कुछ भी ड्रिंक बना सके पी सकती हूँ। 4 PM पे मैं यहाँ पर जैसा हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, क्रेविंग होती है, तो उस टाइम पे मैं वाटर अपना वार्म वाटर लेके आऊंगी, या लेमन वाटर है, हनी वाटर या टी ग्रीन टी रख सकती हूँ। 5 PM पे मैं लंच ये अपना स्नैक्स करूंगी, उसके बाद 6 PM पे मैं वाटर पीऊंगी या ग्रीन टी पीऊंगी। तो ऐसे करते करते फिर डिनर के बाद भी मुझे लेना है, मैंने 9 to 10 PM के बीच में रखा है। तो अगर मुझे सोने से पहले मुझे हल्की से भूख लगती है तो या तो मैं जीरा वाटर या ग्रीन कोई ड्रिंक ले लूंगी या फिर ग्रीन टी पी के सो जाऊंगी। तो ये है मेरा पूरा शेड्यूल मैंने बनाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और यही मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब मुझे 2 दिन हो गया है स्टार्ट किए हुए। और जो भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाइट लूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपके यहाँ डेली शेयर करूं और डेली ब्लॉग बनाऊं, थोड़ा सा ही बना पाऊं, बट मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। बट मैं सोच रही हूँ होली से घर से आने के बाद स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी मुझे घर पे जाना है तो वहाँ पर डाइट मेंटेन नहीं हो पाएगी थोड़ा बहुत। तो प्रॉपर ब्लॉग आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के आपको होली के बाद मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ घर पहुँच के शाम को, आराम से घर पर चल के बात करेंगे और ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक अगेन गाइस। सो इट्स नेक्स्ट डे और अभी 7 बज रहा है, मैं फ्रेश हो गई हूँ बट अभी नहाया वगैरह नहीं, क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे बन रही है लौकी की जीरे वाली सब्जी, यहाँ पे मिक्स वाली दाल, यहाँ पे चावल, वहाँ रोटी का मटेरियल मतलब आटा निकाल के रख लिया है मैंने लोई बना के, और अब रोटी बनाऊँगी। चावल बन गया है, दाल होने वाली है, सब्जी होने वाली है, इसके बाद चाय चढ़ाएंगे और फिर मुझे पराठे भी बनाने हैं। और 8 बजे तक मैं पूरा खाना रेडी कर दूँगी। एक घंटा लगता है पूरा खाना रेडी होने में। दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हूँ, कभी सब्जी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि 8:30 तक 9 o'clock तक हस्बैंड मेरे निकल जाते हैं, और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, लाइक मुझे पानी वगैरह जो पीना है। और अभी मैं रिसेंटली मैंने वाटर यहाँ पर वॉर्म किया है केटल में, और हम पीने जा रहे हैं हनी वाटर। तो ये है हनी वाटर हो रहा है, हनी वाटर पियेंगे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं 1-1 घंटे में ही कर रही हूँ। पहले हनी वाटर पीती हूँ, फिर ग्रीन टी वगैरह पीऊँगी, फिर चाय वगैरह पीऊँगी, फिर 12 बजे तक मुझे ऐसे ही करना है, तो 12 से 8 के बीच में मैं खाती हूँ। और फिर चलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, फिर मैं आज भी मुझे बहुत सारी मॉर्निंग में वीडियो शूट करनी है, देन हॉस्पिटल के लिए निकलना है। बहुत सारा काम है, बहुत एक्टिव शेड्यूल हो गया है, और मुझे बहुत थकान भी हो जाती है, बॉडी भी बहुत एक हो जाती है, क्योंकि यार कंटिन्यू तो सारा काम करके और घर के भी काम करके, वीडियो का भी काम करके और हॉस्पिटल भी जाना, कोई छुट्टी नहीं मिल पाती है, बहुत उलझन जैसी होती है। चलते हैं, कोई नहीं, ये तो रोज़ का ही काम है मेरा और करना पड़ता है। तो चलते हैं, पहले लेमन वाटर को हनी वाटर पी लेते हैं। तो चलते हैं, हनी वाटर पीते हैं, तब तक खाना बन रहा है, उसके बाद हम को फ्री होके मिलेंगे आराम से। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और मुझे लग रहा है मैं अराउंड 2 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, याद नहीं है कब कर रही हूँ, बट आज हमने व्लॉग आगे कंटिन्यू किया है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये जो नेट है इसको हमें लगाना है पूरी बाहर बैल्कनी में, बिकॉज हमने पिजन का जो भी प्रिकॉशंस लिए थे वो नहीं पूरे हो पाए हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पे पिजन ने अपने एग दिए हुए हैं, तो ऐसे वो हर जगह एग दे रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, तो हमारे घर पे वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। तो मम्मी ने बोला कि इसको कुछ प्रिकॉशंस लें, प्लस दूसरा ये कि मेरी बेटी बालकनी से बहुत सारा सामान है, घर के सामान है, टॉयज़ हैं, जो भी चीज़ें आप नीचे फेंक दी रहती है, तो उसके लिए हमने फाइनल डिसीजन यही लिया कि हम ये वाला जो नेट है ये मैंने मंगवाया है पूरी बालकनी का मेज़र करके, और इसको हम अब जा रहे हैं फिट करवाएंगे, तो पूरी बालकनी बाहर से कवर हो जाएगी, जिससे कि ना वो एक तो सामान भी बाहर नहीं फेंक सकती है, प्लस दूसरा कि बाहर की भी कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर हम 6th फ्लोर में रहते हैं तो हमारे ऊपर के कई फ्लोर्स हैं, तो ऊपर से भी जो भी उनका कचरा होता है, कुछ भी सामान होता है, वो नीचे गिर के हमारे फ्लोर पे आ जाता है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि पिजन और बर्ड्स वगैरह अंदर नहीं आएंगे, उनके लिए हम अलग से बाहर प्लांट में हम पानी रख देते हैं कुछ भी, तो वो उनको यूज़ में हो जाएगा, और बस वो अंदर आकर नेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर पर यार पूरी बालकनी में वो पॉटी करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने बुलाया है, और वो आ जाए कारपेंटर वगैरह, तो उसको बाहर लगवा लेते हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे लग रहा है। दूसरा एक और चीज़ कि मैंने एक ऑर्डर किया था अपना नियॉन साइन, तो वो भी आ गया है, और ये है वो नियॉन साइन मेरा।
तो इसकी ओपनिंग भी मुझे करनी है, बट मैं ओपनिंग इसकी अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक प्रॉपर अच्छे से लगा जगह लगाना है, और उस जगह के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और इसको भी इंस्टॉल करना है मुझे। और वैसे मैं आपको जब भी बनाऊँगी, जब निकालूँगी, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करूँगी, तो उसका वीडियो प्लस पेज का लिंक जिससे मैंने बनवाया है वो आपके शेयर कर दूँगी। प्राइस अराउंड 6000 रुपीज़ का पड़ा है ये। तो यही है आज का ब्लॉग में, और इसको चलते हैं पहले इंस्टॉल करवा लेते हैं, और नियॉन साइन अगर आज हो पाया तो करूँगी। वैसे ये ब्लॉग आज मैं एंड भी करने वाली हूँ क्योंकि कल मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम घर जा रहे हैं होली के लिए, 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, बट जाना है क्योंकि हम दिवाली में गए नहीं थे घर पे, तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगता यार। साल में 2 त्यौहार होते हैं, होली दिवाली हम लोग के मेन होते हैं जो, उसमें घर जाना सही रहता है फैमिली के साथ, मतलब टाइम स्पेंड करना। तो उसके लिए हमें पैकिंग करनी है, और तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग आज मिंट कर देंगे चाय पे पी के आराम से शाम को, और फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि पैकिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, बेटी का सामान, बहुत सारा सामान उसका आने वाला है। फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया है समर कलेक्शन उसका, तो उसका हर सीज़न, उसके हर मौसम पे नए नए कपड़े होते हैं, तो वही मैं फर्स्ट प्राइस हमेशा ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे सही लगता है बच्चों के लिए अच्छे से मिल जाते हैं, अच्छे वैरायटीज़ मिल जाती हैं, तो वो भी हमें लगाना है, तो वो भी आ जाएगा, तो वो उस ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले इसको इंस्टॉल करवा लें, और थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं वो मुझे करनी है वो करके, और फिर मैं आपको शाम को मिलूँगी आराम से चाय पीने के टाइम पर, क्योंकि मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है चल रही है, मुझे 8 बजे से पहले, मैं 6 बजे तक चाय वाय पीती हूँ, 8 बजे से पहले मैं खाना भी खा लेती हूँ, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। गाइज लुक एट दिस, मैंने इसको लगवा लिया है, और सनसेट भी हो रहा है, सनसेट भी कितना प्यारा है इसमें दिख रहा है, आपको दिख सकते हो, वाओ सो ब्यूटीफुल यार, इतना अच्छा सनसेट दिख रहा है आज। मतलब मैं इस टाइम पर रहती नहीं हूँ, बट आज मैं इस टाइम पर हूँ, तो मुझे संडे देखने को मिल रहा है, संडे के दिन ये सनसेट, तो वाओ। ये देखिए मेरी पूरी, ये मैंने ना पूरा नेट ऊपर से पूरा लगवा लिया यार, देखो अपनी सेफ्टी है यार, मतलब मेरे पास छोटी बच्ची है तो उसलिए मैंने सेफ्टी के हिसाब से भी रखवाया है, प्लस पिजन के लिए भी लगवा लिया है, और देखते हैं कब तक ये चलता है, सो सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। पे मेरा बन रहा है दाल मखाने का मटेरियल, सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि बैटरी मेरी चार्ज नहीं थी। यहाँ पर पूरी दाल मखाने का मटेरियल मैंने बना लिया है, बॉयल कर लिया है, और इसको इसमें हम डालेंगे, उसके बाद आगे जितना भी इसको मॉडिफाई करना है उसको क्रीम और बटर से करेंगे। तो अभी पहले ये मसाला पूरा फ्राई हो रहा है, और इसमें मैंने डाला, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने स्टार्टिंग में बटर डाला था, थोड़ा सा घी डाला था, उसके बाद अनियन डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली, और वो सब पूरा फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने डाला है टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी आपके डिपेंड है, ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा डालो, कम खट्टा है तो कम डालो। मैंने 2 टमाटोज मीडियम वाले डाले थे और 4 बड़ी सी प्याज डाली थी, तो ये फ्राई होने के बाद अभी भी बहुत अच्छे से ना ये पकेगा। और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था 24 आवर्स, मतलब कल शाम को मैंने सोक किया था, तो आज शाम तक पूरा सोक होने के बाद मैंने इसको हाफ आवर तक, मतलब 25-30 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है डिम आंच पे, सिंपली सॉल्ट डाल के किया है, कई लोग इसमें मतलब स्पाइसी खाते तो चिली डाल के कर लेते, मैंने सिंपल डाल के किया है, और ये बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें दाल मखाने वाला मटेरियल डालेंगे, फिर ऊपर से क्रीम एंड बटर डालेंगे। तो चलिए पहले भी इसको ये हो जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको साथ में दिखाती हूँ यार, पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो ये बन जाएगी और साथ में यार देखते हैं। तो ये मटेरियल हो गया है, देख सकते हो आप इस पर, अब इसी पे मैं ये पूरी दाल का जो मटेरियल है ये डाल दूंगी। और इसको हमें पकने देना है डिम करके, ढांक के अभी मैं पकाऊंगी इसको सिंपली ऐसे, मलाई वगैरह और जो भी बटर है वो बाद में डालेंगे, पहले ये सिंपली ऐसे पकेगी। और ग्रेवी आप जितनी आपको मतलब पतली करनी, जितनी भी मतलब ऐसे रखनी तो ऐसे रखो, पतली करनी पतली कर लो। इसको हम 15-20 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ढांक के इसको आराम से। तो इसको भी मैं कैप लगा देती हूँ इसके ऊपर, तो ये आराम से पकेगी। डिम पे कर दिया है मैंने, यहाँ पे एकदम डिम पे पक रहा है, तो 15 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ।
तो इसको मैंने 15 मिनट्स तक पका लिया था, आराम से आप देख सकते हो ये है इसकी कंसिस्टेंसी। और मैं थोड़ा सा अभी थिकी रख रही हूँ, और इसमें मैं अब डालूंगी ये क्रीम, मैंने पूरी फ्रेश क्रीम निकाली है और ये फ्रेश क्रीम मैं पूरी इसमें डालूंगी। आप ज्यादा भी कर सकते हो, क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हो। और इसको फिर मैं ऐसे पकाऊंगी आराम से 5 to 10 मिनट्स तक, ये फिर पकेगी, फिर मैं इसको ढांक देती हूँ अभी, और 5 to 10 मिनट ये पहले ऐसे पक जाए, उसके बाद हम बटर या घी वगैरह का भी यूज कर सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो आप देख सकते हो फाइनली ये कितने अच्छे से बन चुकी है कंसिस्टेंसी। अभी मैं इतनी पतली ही रख रही हूँ, ज्यादा उसको बढ़ा के नहीं करूंगी क्योंकि अभी इसमें बॉयल हो रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे बटर, आप चाहो तो चीज भी डाल सकते हो यार, जैसा आपको चाहिए हो, बट मैंने मलाई इतनी सारी डाल दी तो मुझे बस हल्का सा ऊपर से बटर डालना रहेगा। और बस फिर मेरी कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम रोटी बनाएंगे और आज का खाना कंप्लीट। इस पे मैं बटर डाल देती हूँ और थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ना टेस्ट लाने के लिए एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें आप थोड़ा सा केचप डाल सकते हो, ज्यादा नहीं डालना है, बट आप थोड़ा सा केचप डालोगे ना तो टेस्ट अलग हो जाएगा इसका, देखिएगा कभी ट्राई करके, थोड़ा सा ना अलग सा फ्लेवर जैसे मार्केट में होता है ना वैसे फ्लेवर आएगा। और अब हम इसको हल्का सा पकने देंगे ऐसे ही ओपन करके, और ये पक जाएगा। बस इसके ऊपर हमें कस्तूरी मेथी डालनी है, और आप चाहो तो धनिया से गार्निश कर सकते हो, और ये आपके पास रेडिश वगैरह तो आप उससे गार्निश कर सकते हो। मेरा तो यही हो गया यार, घर पे खाना है तो मैं सिंपल धनिया से और कस्तूरी मेथी से इसको गार्निश करूंगी। बटर इसमें मेल्ट हो जाए तब तक आप उसको ओपन करके पका लो आराम से। जब तक ये यहाँ पे पक रहा है, मतलब बटर इसका तक मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे कसूरी मेथी को हल्का सा गैस पे भूज लूंगी, मतलब आपको फ्राई करना है इनको, उसके बाद आप हाथ से मैश करके इसको उसमें डाल दो। तो ये डिम आंच पे आप इसको हल्का सा भूंजोगे, जिससे कि ना ये कसूरी मेथी के लीव्स आती है, पूरा पैकेट आप ले सकते हो, मैंने भी लेकर रखा हुआ है। और इसको मैं पहले हल्का सा ना डिम करके, डिम आंच पे है ये भून जाए, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। मेरी पूरी बन गई है और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, हो खाने में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ये पहली बार और ये मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में आज बनाई है। बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी यार कि बनाऊं, बट टाइम आपको पास टाइम होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल ही रहता है। तो आज संडे था तो मैंने सोचा आज हम इसको बना लेते हैं, और शाम के लिए बना रही हूँ, साथ में देखते हैं अभी रोटी बनाते हैं या कुछ भी बनता है, परांठे वगैरह जैसा भी होगा, क्योंकि राइस तो मैं लेती नहीं हूँ, मैं रोटी ही लूंगी, हस्बैंड से पूछ के उनके लिए बनाऊंगी। तो बटर देखिए पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है, और यहाँ पे मेरी कसूरी मेथी भी बस होने वाली है। इससे ना आपको फ्रेग्रेंस आएगी बहुत अच्छी सी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये भुज चुकी है ना, कलर नहीं चेंज करेगी बट हाँ इसमें फ्रेग्रेंस अच्छी से आएगी। देखो आप ना ऐसे ऐसे करने पे ये एकदम हो गया, उसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, एकदम ना मिट्टी की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो आपको ध्यान देना है बस करके। और अब इसको मैं थोड़ी देर बंद कर देती हूँ ठंडा हो जाए, और उसके बाद इसमें डालते हैं। तो ये मेरी बन गई है दाल मखनी, और इसको सर्व करने के टाइम पे मैं धनिया ऊपर से डाल लूंगी। बस आज का काम फिनिश। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज है मंडे, कल मैं खाना वाना बना के फिर ब्लॉग बनाना भूल गई थी क्योंकि डिनर करा, फिर बेटी का काम स्पेंड करने लग गए, और आज मेरा फास्ट है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वूजा कर चुकी हूँ, खाना ना बन चुका है, सब कुछ हो गया, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। मेरा ये पिंपल अब कम हो चुका है, सप्रेस हो गया, बट अभी भी निशान है इसका। तो गाइस व्लॉग मुझे आज अभी यही एंड करना पड़ा है क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और फाइनली मुझे शाम से नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि वेडनेसडे को हम लोग घर निकल रहे हैं, आफ्टरनून में निकलेंगे, तो आज है मंडे, ट्यूजडे परसों निकलना है, तो सारा टाइम नहीं है पैकिंग भी करनी, मैंने बिल्कुल पैकिंग वगैरह नहीं किया है। और अभी बेटी के कपड़े भी नहीं आए, मतलब फर्स्ट क्लास ऑर्डर किया था, शायद वो आज या कल डिलीवर्ड होगा, तो वो सब भी आ जाए, तो उस हिसाब से हम उसकी पैकिंग करेंगे होली की। और मुझे अपने भी पैकिंग करनी है, और अभी मुझे हॉस्पिटल निकलना है, बहुत लेट हो रहा है, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो वीक इन माई लाइफ तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।